नमस्ते, IHSC क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और उनके साथ साथ हम तीन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ेंगे। एक है हॉब्स, दूसरा है लॉक और तीसरा है रूशो। हम लोग सभी जानते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इन तीनों ने दिया था, लेकिन अगर हम दूसरे पॉलिटिकल कंसेप्ट को पढ़ेंगे या थ्योरी को पढ़ेंगे तो भी इनके नाम आते हैं। जैसे अगर आप सिविल सोसाइटी पढ़ रहे हैं, अगर हम राइट्स पढ़ रहे हैं, अगर आप जस्टिस पढ़ रहे हैं, तो तब भी इनके नाम आते हैं। तो इसीलिए हम पहले ये पढ़ेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है और कैसे ये थ्योरी बना, और इन तीनों का उसमें क्या ओपिनियन है, क्योंकि हॉब्स, लॉक और रूशो तीनों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज के साथ साथ उनके कुछ ओपिनियन में अंतर भी थे। वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम हॉब्स, लॉक, रूशो अलग अलग करके पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों के सोच में और उनके व्याख्यान में बहुत अंतर था, तो इसीलिए तीनों थिंकर्स को हम अलग से पढ़ेंगे। तो पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इनके बैकग्राउंड। एक्चुअली उस समय सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आने का बहुत ही एक प्रॉपर सिचुएशन तैयार हुआ था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है अगर आप जानते हैं तो वो एक्चुअली डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप के विरुद्ध तैयार हुआ था। मतलब पहले ये बताया जा रहा था कि राजा को भगवान ने भेजा है हमें रूल करने के लिए, लेकिन उन्होंने उन तीनों ने ये कहने लगे कि नहीं, सब लोगों ने मिलके एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसी के थ्रू राजा को इलेक्ट किया गया है। तो इसीलिए जो मेन मकसद था वो था कि आम लोगों के हाथ में राजा को कंट्रोल करने का पावर देना, और धर्म का जो प्रभाव है राज्य के ऊपर या राजा के ऊपर उसको थोड़ा कम करना। तो अगर हम बैकग्राउंड को देखें कि उस समय यूरोप में क्या चल रहा था, तो उनके ये थ्योरी का लेजिटिमेसी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली काफ़ी बार आपके मन में ये प्रश्न जाग सकता है कि एक राज्य चलाता है, जो इलेक्शन में जीत के आते हैं वो लोग, ब्यूरोक्रेसी नीति बनाता है जिसको एक्ट में रूपांतरित करने के लिए हमें लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ता है। तो हम जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट का क्या काम होता है? तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक्चुअली कोई भी पॉलिटिकल बिहेवियर को लेजिटिमाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई राज्य में एक साथ युद्ध हो रहा है और फेमिन हो रहा है, महामारी, जैसे ब्रिटिश राज जब था इंडिया में, तो उस समय हम लोग देखते थे कि लोग ना खा के मर रहे हैं, बहुत लाख लाख लोग मर रहे हैं ना खा के, और उसी समय राष्ट्र जो है वो पैसा खर्चा किए जा रहे हैं डिफेंस में, दूसरे कंट्री जीतने में। तो फिर वो जो जीतने में पैसा खर्चा कर रहे हैं उसका लेजिटिमेसी कौन देगा? उसका लेजिटिमेसी जो एडुकेशनिस्ट थे या उस समय जो पॉलिटिकल फिलोसोफर थे उनके ओपिनियन में मिलता है। तो खैर, अब हम बैकग्राउंड में आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के। मतलब इन्हें नटशेल आप ये समझ लीजिए कि कोई भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो होता है वो पॉलिटिकल रूलर को लेजिटिमेसी देते हैं उनके काम से। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक्चुअली उस समय जो पॉलिटिकल एक्टिविटी या हिस्टोरिकल या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा था उसको कागज़ कलम में लेजिटिमाइज कर रहे थे, ताकि स्टूडेंट्स पढ़ सके और ये समझ सके कि राजा जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो आप एक मैप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो उस समय का यूरोप का मैप है 1600 शताब्दी में, जहाँ पे बीच में देखिए
होली रोमन एम्पायर है, यहाँ पे फ्रांस है और यहाँ पे इंग्लैंड है। एक्चुअली एक बहुत फेमस नॉवेल है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, ये टेल ऑफ टू सिटीज़ जो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। ये टेल ऑफ टू सिटीज़ में दो शहर की बात किया गया है, लंदन और पेरिस। पेरिस यहाँ पे है और लंदन इंग्लैंड में है। तो उस समय जो पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा था ये दोनों शहर में, उसके बारे में वो नॉवेल है। अगर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बोले तो वो भी ये टेल ऑफ टू सिटीज़ है, क्योंकि जो पॉलिटिकल फिलोसोफर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिए थे वो मोस्टली इंग्लैंड और फ्रांस के ही थे, और इसी दोनों जगह पे वो घूमते रहते थे। तो इस समय ये दोनों राष्ट्र में ऐसा क्या हो रहा था कि एक ऐसा अलग थ्योरी ऑफ स्टेट फॉर्मेशन आया। ये आप देख पा रहे हैं कि बीच में होली रोमन एम्पायर है, राइट? होली रोमन एम्पायर आपको पता होगा कि जब ग्रीक शासन खत्म हुए तो रोमन शासन आया, और होली रोमन एम्पायर के अंदर ही पोप वगैरह था जो पूरे यूरोप को उस समय ये कह रहा था कि राष्ट्र का जो राजा होता है वो भगवान के द्वारा ही आते हैं, और इसीलिए मेन जो हेड है वो होता है रिलीजियस हेड, जो हमारे चतुर्वर्णों में भी है कि ब्राह्मण क्षत्रिय से ऊपर के वर्ण होता है, मतलब ऊपर के स्टेटा में रहता है। ठीक है, हम लोग अभिषेक करते हैं, अभिषेक ब्राह्मण करता है, या उसको जैसे क्राउन पहनाता है जो होली हेड होता है वो। तो होली रोमन एम्पायर ऐसे ही ये सब एरिया जो है उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद ये जो एरिया है, इस एरिया में एक 30 साल का युद्ध शुरू हुआ जिसको 30 ईयर्स वॉर बोला जाता है, और वो ख़त्म हुआ 1648 में, और ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया उसके बाद रचा गया। ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया है, ये कहा जाता है कि दिस इज़ द स्टार्टिंग टाइम ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम, मतलब इसके पहले जो स्टेट थे वो आधुनिक स्टेट नहीं होता था। उस एक आधुनिक स्टेट का चार इंग्रेडिएंट रहता है, क्या क्या रहता है? पीपल रहता है, सॉवरेंटी रहता है, और टेरिटरी रहता है, और गवर्नमेंट रहता है, राइट? तो पहले के स्टेट में क्या था कि गवर्नमेंट तो था, पीपल तो था, लेकिन सॉवरेंटी नहीं था। सॉवरेंटी नहीं था मतलब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर अपना रोब जमा सकता था, और दूसरा क्या था कि टेरिटरी उतने अच्छे से डिमार्केटेड नहीं था, इसीलिए कोई भी राष्ट्र जो है, बड़ा राष्ट्र छोटे राष्ट्र का टेरिटरी अपना दिखा सकता था। लेकिन ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जब हुआ 1648 में, तो मॉडर्न राष्ट्र जो है और मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसका जन्म हुआ, जिससे पहला ये हुआ कि बॉर्डर या टेरिटरी जो है उसको इनवायलेबल बताया गया, मतलब उसको हम तोड़ नहीं सकते, दैट मीन्स बॉर्डर्स आर प्रॉपरली डिमार्केटेड। ठीक है, ये देखिए, बॉर्डर जो है वो कार्टोग्राफर प्रॉपरली डिमार्केट कर रहा है। दूसरा है कि नॉन इंटरफेरेंस, सॉवरेंटी ऑफ द स्टेट, मतलब एक राष्ट्र जो है, होली रोमन एम्पायर फ्रांस को कुछ नहीं बोल सकता, ऑस्ट्रिया को कुछ नहीं बोल सकता, पोलैंड को कुछ नहीं बोल सकता, डेनमार्क को कुछ नहीं बोल सकता, वो अपने आप में ही डिसाइड करेगा, फ्रांस डिसाइड करेगा कि फ्रांस के राष्ट्र को क्या करना है वगैरह वगैरह। और तीसरा क्या हुआ कि होली रोमन एम्पायर का या पोप का या रिलीजियन का जो इन्फ्लुएंस था यूरोपियन पॉलिटिक्स में वो कम हुआ, जो मैं बता रही थी। तो ये तीनों कारण के वजह से हम देख सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दूसरा क्या है, इंग्लिश सिविल वॉर। अब ये जो एरिया है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ये एरिया था ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक है, इंग्लैंड का शासन स्कॉटलैंड और आयरलैंड के ऊपर था। यहाँ पे एक दूसरा वॉर चल रहा था, यहाँ पे जैसे 30 ईयर्स वॉर चल रहा था ये जगह पे, यहाँ पे एक दूसरा वॉर चल रहा था, वो है इंग्लिश सिविल वॉर। ठीक है, जो 1642 से 52 तक चला था। उस समय क्या हुआ कि पार्लियामेंटेरियंस रॉयलिस्ट के ऊपर जीत गए। ठीक है, मतलब जो लड़ाई हुआ था यहाँ पे
पार्लियामेंट के और मोनार्की के बीच में, क्योंकि पार्लियामेंट उस समय था, लेकिन पार्लियामेंट कानून बना नहीं सकता था, कानून बना सकता था राजा। तो इस और राजा जो चाहे मर्जी कर सकता था, तो पार्लियामेंट ये चाह रहा था कि राजा को बांध दिया जाए, और पार्लियामेंट रॉयलिस्ट के ऊपर जीत गया। तो धीरे धीरे राजा को बांधने का काम एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की या लिमिटेड मोनार्की, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थ्रू हुआ। दूसरा है कि राजा भगवान से पावर पाया है, इसके जगह पावर पाया है पीपल से, ये वाला कंसेप्ट रॉयलिस्ट को हटा के पार्लियामेंटेरियन एस्टैब्लिश किया। ठीक है, तो इंग्लिश सिविल वॉर में ये बताया गया कि राजा को भगवान से पावर नहीं मिला है, पीपल से मिला गया, ये ओपिनियन को एस्टैब्लिश किया गया, जो से वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम देखेंगे। और तीसरा जो मैंने कहा कि एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये जो रास्ता है, ये रास्ता भी हम लोग इंग्लिश सिविल वॉर से ही देखते हैं कि तय होता। ठीक है, तो ये दो रीज़न बहुत मेन था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। बाकी दो जो रीज़न है उसमें से एक है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इनको हम पैसिव रीज़न कह सकते हैं फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है 1760 में, बहुत बाद में, लेकिन इंडस्ट्री का जो शुरुआत हुआ था वो बहुत पहले से हो गया था, वो 1500 से ही शुरू हुआ था। और जिससे हम लोग देख सकते हैं कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग जाना शुरू कर दिया। आप लोगों को पता होगा कि जितना जितना इंडस्ट्री बढ़ता है, उतना उतना गांव से लोग शहर की तरफ चले जाते हैं। अब गांव से शहर में जा रहा है, इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ क्या कनेक्शन है? उसका कनेक्शन ये है कि यहाँ पे जो दो युद्ध हुआ था, 30 ईयर्स वॉर बोलिए या इंग्लिश सिविल वॉर बोलिए, यहाँ पे जो हारने वाला लोग था वो सारे रूरल एरिया के थे, और जो जीतने वाले लोग थे वो शहर के रहने वाले थे। जैसे पार्लियामेंटेरियन जो जीत रहा था वो रहता था शहर में, और रॉयलिस्ट लोग रहते थे कंट्री साइड में, मतलब गांव में। तो इसीलिए रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो एक इम्पैक्ट डाला हुआ था कि कौन जीतेगा उसके ऊपर, क्योंकि लोग वहाँ पे ज़्यादा रह रहे थे। ठीक है, दूसरा है कि प्रेशर ग्रुप जो है वो बुर्जुआ हो रहा था धीरे धीरे। बुर्जुआ कौन है? जो मिडिल और बिजनेस क्लास है। अब ये चीज़ हम इंडिया में भी देखते हैं कि इंडिया में जब रेनेसा आया था या इंडिया में जब इंडस्ट्री आया था, तो उस समय भी बुर्जुआ पावर में आ रहे थे, और उनको एक नया स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट चाहिए था, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप हमेशा देखेंगे कि कैपिटलिज्म को डेमोक्रेसी पसंद है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि यू कैन प्रेशराइज द किंग। नहीं तो क्या है, अगर आप चतुर्वर्ण में भी देखेंगे तो वैश्य जो हुआ है वो थर्ड स्टेटा में आते हैं, राइट? पहले आता है ब्राह्मण, फिर आता है क्षत्रिय, फिर आता है वैश्य। तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, जो यूरोपियन जो सोसाइटी था वहाँ पे बुर्जुआ का इकोनॉमिक पावर था, लेकिन पॉलिटिकल पावर भी नहीं था और सोशल पावर भी नहीं था। दैट मीन्स वो सोसाइटल जो स्टेटस है उसमें भी आगे नहीं थे, उसमें एरिस्टोक्रेटिक लोग आगे थे, और पॉलिटिक्स में भी आगे नहीं थे, वो रॉयलिस्ट लोग आगे थे। तो इसलिए उनको समाज में आगे आने के लिए डेमोक्रेसी चाहिए था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में वही चीज़ एस्टेब्लिश किया कि पीपल आर द फॉरमोस्ट इन ऑल तंत्र या राजत्व, आप बता सकते हैं। दूसरा है राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, क्योंकि कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, और कॉलोनियलिज्म के लिए आपको एक पार्लियामेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जो नॉर्मल आइडियाज़ है ऑफ रॉयल्टी उसमें कॉलोनियलिज्म बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं पाता है। तो रिलीजियन अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे भी कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो कैपिटलिज्म और कॉलोनियलिज्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि डेमोक्रेसी आए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आए। तीसरा, चौथा जो कारण था वो है पीक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट। ये हम जब लाइव पढ़ेंगे हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के जो जन्म दिए थे उनके, तब हम समझेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ था कि प्रोटेस्टेंट
जो बहुत सारे ब्रांचेस है, जैसे प्यूरिटन है, कैल्विनिज्म है, तो ये सब जो लोग थे वो ऐसे ही कोई प्यूरिटन था, लॉक जैसे प्यूरिटन था, रूशो कैल्विनिस्ट था, तो जो कैथलिक धर्म में जैसे बताया जा रहा है कि पोप इज़ द हेड और पोप डिसाइड करेगा कि राजा कैसे काम करेगा और राजा कौन होगा, तो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट में क्या होता है कि कैथलिक से धीरे धीरे जो मेन पावर है वो प्रोटेस्टेंट लोगों की तरफ चले जाते हैं और दे आर द सपोर्टर ऑफ न्यू वेव ऑफ पॉलिटिकल पावर। तो इसीलिए प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट जब शुरू होता है वो भी ये नए जो स्टेट फॉर्मेशन की थ्योरी है उसको सपोर्ट करना शुरू करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ आवर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब हम थ्योरी पे आते हैं, ठीक है। तो थ्योरी में जैसे मैंने कहा था कि तीनों जो थियोरिटिशियन हैं उनका कुछ कॉमननेस है और कुछ डिफरेंसेस है। तो कॉमननेस क्या है कि तीनों ने ही ये कहा, हॉब्स, लॉक और रूशो, तीनों ने ही ये कहा कि पहले स्टेट ऑफ नेचर था, उसके बाद सब में मिलके एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद स्टेट का ओरिजिन हुआ। स्टेट बोलिए, सोसाइटी बोलिए, दोनों का ओरिजिन हुआ, ठीक है। इन बातों में तीनों सहमत हैं, लेकिन उन तीनों का अंतर भी है। किसमें अंतर है कि स्टेट ऑफ नेचर कैसा था उसमें अंतर है, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसका टर्म्स क्या है उसमें अंतर है, और नेचर ऑफ द सॉवरेंटी, मतलब ये जो स्टेट तैयार हो रहा है उसका सॉवरेंटी का नेचर क्या है। सॉवरेंटी तो सब लोग ये बोल रहे हैं कि स्टेट सॉवरेन हो गया है, लेकिन सॉवरेंटी का नेचर है कैसा, उसमें अंतर है, ठीक है। तो हॉब्स का मेन जो किताब है जिसमें इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इस्टेब्लिश किया है, वोट का नाम क्या है, उसका नाम है लेवियाथन। लॉक का बुक का नाम क्या है, टू ट्रिटाइज ऑफ सोशल सिविल गवर्नमेंट, और रूशो का बुक का नाम क्या है, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, ठीक है। अब स्टेट ऑफ नेचर में आते हैं, हॉब्स क्या बता रहे हैं कि उस समय ग्लूमी नेचर था जिसमें हमेशा लड़ाई हो रहा था, और इसीलिए हम देखते हैं कि सब लोग मिलके ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एक ओमनीपोटेंट राजा को पावर दे रहे हैं। ओमनीपोटेंट में डेस्पोटिक मतलब शैराचारी, तो शैराचारी राजा को वो पावर दे रहा है जिसके पास एब्सोल्यूट सॉवरेंटी होगा। मतलब ये पॉपुलर सॉवरेंटी की बात नहीं करता है, पॉलिटिकल सॉवरेंटी की बात नहीं करता है, ये बोलता है एब्सोल्यूट, मतलब सॉवरेंटी किसके हाथ में है, वो राजा के हाथ में है, ठीक है। लॉक बोलता है कि सॉवरेंटी किसके हाथ में है, वो स्टेट के हाथ में है, और कॉन्ट्रैक्ट में कैसा राज्य बनाया गया वो है लिमिटेड मॉनार्की बनाया गया, मतलब ओमनीपोटेंट मॉनार्की से वो लिमिटेड मॉनार्की की बात करता है, एब्सोल्यूट मॉनार्की से वो लिमिटेड मॉनार्की की बात करता है। और स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, स्टेट ऑफ नेचर था पीसफुल, सब कुछ था, मतलब अच्छा अच्छा वहाँ पे एक अवस्था था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और पॉलिटिकल सॉवरन एक स्टेट का एस्टेब्लिश किया। रूशो क्या कहता है, रूशो भी कहता है कि बहुत अच्छा उस समय स्टेट ऑफ नेचर बहुत अच्छा था, अब देख सकते हैं कि एक ब्लिसफुलनेस था और प्रिमिटिव सिंप्लिसिटी था, और सब लोग मिलके फिर भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया और पॉपुलर सॉवरेंटी की ये बात करता है, ठीक है। मतलब जो सॉवरेंटी है हॉब्स कह रहा है वो राजा के हाथ में है, लॉक कह रहा है वो स्टेट के हाथ में है, और रूशो कह रहा है वो लोगों के हाथ में है, ठीक है। अब हम आते हैं डिटेल्स में कि ये तीनों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब उनके लाइफ कैसा है और क्या बोल रहे हैं, ठीक है। पहले जिनके बारे में हम बताएंगे वो है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स बहुत ही एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मोइल के समय जन्म लिया था। उनके जब माता ने उनको पैदा किया तो ये बताया गया था वो दो चीज़ एक साथ पैदा किए हैं, डर और थॉमस हॉब्स को, क्योंकि उनके माता को हमेशा ये डर लगा रहता था कि उनको जिंदा कैसे रखेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा युद्ध हो रहा था
और टर्मोइल था कि उस समय जिंदा रहना ही बहुत बड़ा काम था, और वो बहुत गरीब फैमिली से भी थे, तो उनको अच्छे से परवरिश करना भी उनके फैमिली के लिए बहुत ही प्रॉब्लम था। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था, उनको स्कॉलरशिप मिला, रॉयल स्कॉलरशिप वगैरह मिला, और वो टीचर बन गए। और टीचर किनके बने, राजा के जो एक नेफ्यू है उनके टीचर बने, राजा के फैमिली के एक पर्सन का टीचर बने। तो इसीलिए वो हमेशा से ही सपोर्टर ऑफ रॉयलिस्ट है। उनके जो एब्सोल्यूट मोनार्की है, मतलब जैसे आप लोगों को ये लग सकता है कि कौन हॉब्स लॉक रूशो में कौन एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करता है, तो ये याद रखिएगा जब कि वो रॉयलिस्ट के हमेशा सपोर्टर रहे। पूरा जो उनकी ज़िंदगी है उसमें आप देखेंगे कि वो रॉयलिस्ट के सपोर्टर रहे हैं। तो ये बताया जा सकता है कि वो एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करेंगे, वो कभी पार्लियामेंटेरियन को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और वो इतने ज़्यादा रॉयलिस्ट के सपोर्टर थे कि जब इंग्लिश सिविल वॉर शुरू हुआ और सारे जो रॉयलिस्ट के सपोर्टर हैं उनको एग्जीक्यूशन किया जा रहा था, मारा जा रहा था, तो वो फ्रांस चले गए। फ्रांस जाके उन्होंने जियोमेट्रिकल मेथड सीखा। अब जियोमेट्रिकल मेथड में क्या होता है, पहले हमें थ्योरी बनाते हैं, ठीक है, पहले हमें प्रिमाइसेस बनाते हैं, और उसके बाद लॉजिकल डिडक्शन से हम अपने जो कंक्लूशन है उसमें आते हैं, जिसको डिडक्टिव मेथोडोलॉजी कहते हैं। तो जो हॉब्स का जो थ्योरी है वो डिडक्टिव मेथोडोलॉजी से बना है, ठीक है। जो उनके जो क्रिटिसिज्म है उसमें भी ये कहा जाता है कि उन्होंने डिडक्टिव मेथोडोलॉजी किया। हमेशा डिडक्टिव मेथोडोलॉजी में एक डर रहता है कि आपका जो प्रिमाइसिस है वो बायस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए हमने ये कहा कि यूपी में बहुत सारे, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स है और इसके लिए SC ST को बहुत लाभ मिल रहा है, ठीक है, ये मेरा प्रिमाइसिस है। फिर मैं अगर गई अपना सर्वे करने या इंटरव्यू करने, तो ऐसे कुछ SC ST लोग जो वेलफेयर स्कीम से लाभवान हुए हैं उनसे, उनके पास जाएंगे, उनके इंटरव्यू करेंगे और हम प्रूफ कर देंगे कि हाँ ऐसा हुआ है। तो डिडक्टिव मेथोडोलॉजी में क्या है कि बायसनेस ऐसे आ सकता है, लेकिन दूसरा के मेथोडोलॉजी है, दूसरे में हम ये बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश में वेलफेयर स्कीम से कितना SC ST को कितना इफेक्ट हुआ है वो देखेंगे, ठीक है। तब क्या होगा, तब तो हम फील्ड में जाएंगे और सबको पूछेंगे। उसमें कुछ लोग अच्छा भी बोल सकते हैं, कुछ लोग बुरा भी बोल सकते हैं, सब अच्छा बोल सकते हैं, सब बुरा बोल सकते हैं, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा वो बायस नहीं आएगा। तो डिडक्टिव मेथोलॉजी में क्या है कि बायसनेस की बहुत चांसेस है, और यही चीज़ है जो हम हॉब्स के ओपिनियन में देखते हैं कि वो सपोर्टर थे रॉयलिस्ट के, तो उनके जो थ्योरी है ऐसा माना जा सकता है कि उन्होंने इसीलिए लिखा ताकि रॉयलिस्ट को लेजिटिमाइज कर सके उनके एब्सोल्यूट पावर को, ऑमनीपोटेंट पावर को। और ये चीज़ बहुत सारे थिंकर्स ने भी कहा है कि सॉवरेन का एब्सोल्यूट पावर को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने लेवियाथन लिखा था और बहुत सारे और भी किताबें लिखा था। और इसलिए वो जब वापस गए तो उनके जो छात्र थे वो तब बन गए थे राजा चार्ल्स टू, उन्होंने उनको 100 पाउंड पेंशन मंथली दे के अपना सभा में रख दिए। तो 100 पाउंड उस समय आप सोचिए 1652 और समथिंग बहुत ज़्यादा पैसा था। तो आप समझ सकते हैं कि लेवियाथन ऐसा क्यों लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लेवियाथन बुक में, ठीक है। आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, लेवियाथन का मतलब यही है, लेवियाथन का मतलब है सी मॉन्स्टर, ठीक है। एक यहाँ पे आप एक सी देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक राजा दे सकते हैं, ठीक है। तो हॉब्स का जो परफेक्ट गवर्नमेंट है उसके साथ उन्होंने उसको उन्होंने सी मॉन्स्टर या लेवियाथन बताया है। अब लेवियाथन है क्या, लेवियाथन है द कॉमनवेल्थ, ठीक है, दैट इज जिगंटिक ह्यूमन फॉर्म बिल्ट आउट ऑफ द बॉडीज ऑफ इट्स सिटीजन द सॉवरन एज इज हेड। मतलब ये है राजा, ठीक है, और ये है इनके प्रजा, ठीक है। तो राजा हमेशा क्या करेंगे, ये स्टेट ऑफ नेचर बहुत ग्लूमी है, उनको
शांत करने के लिए राजा आएंगे और सबको शांत कर देंगे, ठीक है। सो दैट इज द आप कह सकते हैं मेटाफोर ऑफ हॉब्स। आप ये सोच सकते हैं कि मॉन्स्टर राजा को बोला जा रहा है, सी मॉन्स्टर, तो फिर वो राजा का गुणगान कैसे कर रहा है, क्योंकि मॉन्स्टर तो एक नेगेटिव कनोटेशन हो गया है। तो अगर आप विष्णु के अवतार देखेंगे तो विष्णु के भी काफ़ी सारे अवतार हैं जो बहुत भयंकर है, और वो इसीलिए आ रहे हैं ताकि जो एविल है उनको ख़त्म कर सके, ठीक है। तो उस समय उनके जो थियोरी था, उनके थियोरी के अनुसार जो उस समय का अवस्था था, उस समय का जो स्टेट ऑफ नेचर था, उस समय का जो पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन था, वो था बहुत ही खराब, ठीक है। और इसलिए उसको अगर शांत करना है तो फिर ऑब्वियसली एक मॉन्स्टर टाइप का एक बहुत बड़ा पावरफुल क्रिएचर ही उसको शांत कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो ऐसे बताया कि सी मॉन्स्टर है राजा और कॉमनवेल्थ, और उनको वो शांत करेंगे थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पर्पस क्या था? टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ द लेवियथन फॉर प्रिजर्विंग पीस एंड प्रिवेंटिंग सिविल वॉर। इट इज रिगोरसली आर्ग्यूज दैट सिविल पीस एंड सोशल यूनिटी आर बेस्ट अचीव बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमनवेल्थ थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मतलब कि लेवियाथन का इम्पोर्टेंस क्या है या ज़रूरत क्या है कि स्टेट ऑफ नेचर जो जिनको उन्होंने ग्लूमी बताया है उनको हटा के एक पीस एंड प्रॉस्परस राष्ट्र अगर आपको तैयार करना है तो फिर लोगों ने क्या किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। और ये सी मॉन्स्टर को या फिर कॉमनवेल्थ को, जो राजा कॉमनवेल्थ के लिए काम करेगा या कॉमन गुड के लिए काम करेगा, उसको पावरफुल बना दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लेवियाथन का चार पार्ट है, बुक 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें उन्होंने फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क बताते हैं। जैसा मैंने कहा कि डिडक्टिव थ्योरी में हम पहले एक थ्योरी बताते हैं, एक हाइपोथेसिस बताते हैं, कि जैसे मैंने बताया था कि यूपी में SC ST को वेलफेयर स्कीम से सुविधा मिल रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ द फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क। और उसके बाद बुक 2, 3, 4 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी आर्गुमेंट को जो बुक 1 में प्रेजेंट हुआ था उसको एक्सटेंड किया और इलाबोरेट किया, उसको एक्चुअली हम बोल सकते हैं प्रूफ किया, टू हैव द कंक्लूशन व्हाई हिज थियोरी इज राइट, ठीक है। तो बुक 1 में क्या है, थियोरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ये बोला है कि स्टेट ऑफ नेचर इज सो हॉरिबल दैट ह्यूमन बींग्स नेचुरली सीक पीस एंड द बेस्ट वे टू अचीव पीस इज टू कंस्ट्रक्ट द लेवियाथन थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैंने जैसे कहा कि स्टेट ऑफ नेचर बिफोर सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉज हॉरिबल, क्योंकि ग्लूमी ग्लूमी एक नेचर था जिसमें बहुत सारा लड़ाई हो रहा था, सब लोग युद्ध कर रहे थे, और इसके लिए हम लोगों को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। और एक जो सबसे जो पावरफुल एक सी मॉन्स्टर है उनको हमने पावर दिया, या फिर जो राजा है उनको हमने पावर दिया ताकि वो हमारे ऊपर राज कर सके, ठीक है, ताकि पीस और प्रॉस्पेरिटी आ सके। सो दैट इज़ द मेन थियोरी, ठीक है। उसके बाद बुक 2 एंड 3 एंड 4 में उन्होंने कैसे ये कॉमनवेल्थ काम करेगा वगैरह उन्होंने बताया है, और बहुत लोग इसके एडमायरर भी हैं, जैसे माइकल ओकशॉट ये कहते हैं कि लेवियथन इज़ द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द सोल मास्टरपीस ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। मतलब सबसे ग्रेटेस्ट है वो लेवियथन, ऐसा ही वो बता रहे। अब हम डिटेल थ्योरी में आते हैं। पहला क्या था, पहला था स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, जैसा मैंने कहा पहला जो था इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वो है ग्लूमी, जहाँ पे कंटिन्यूअस स्ट्रगल चल रहा था, सीजलेस कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्स्टेंट वॉरफेयर। जैसे मैंने कहा कि जब वो जन्म लिए थे
हॉब्स तब से शुरू करके उनके जीवन के अंत तक उन्होंने सिर्फ लड़ाई देखा, युद्ध देखा। उनका हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर वही था कि हमेशा लड़ाई हो रहा था। कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या था? मेन जो पावर, जो कॉज था उनके हिसाब से पावर, लेकिन उन्होंने तीन उसको डिवाइड किया है। एक है कंपटीशन, दूसरा है डिफिडेंस और तीसरा है ग्लोरी, ठीक है। लेकिन मेन जो कारण था इतना कन्फ्लिक्ट का, वो है पावर। और ये पावर को भी उन्होंने और इलास्ट्रेट किया है। पावर को उन्होंने बताया है साइकोलॉजिकल इगोइज्म, ठीक है। साइकोलॉजिकल इगोइज्म मतलब हर जो मनुष्य है वो सेल्फिश है, जो सेल्फ इंटरेस्ट से चलता है, ठीक है। तो इसीलिए वो हमेशा चाहता है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो, और इसी वजह से वो लड़ाई करता है एक दूसरे के साथ, हमेशा लड़ाई करता रहता है, ठीक है। और हर इंसान एक दूसरे का एनिमी होता है। मतलब अगर हम भाईचारा का बात सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके हिसाब से हर लोग एक दूसरे का एनिमी होता है, और इसीलिए उस हालत में इंडस्ट्री का भी कोई रूम नहीं रहता है। मतलब क्योंकि आप देखिए कि कोई भी जगह पे अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है तो वहाँ पे इंडस्ट्री हो नहीं सकता। जैसे अगर आप इंडिया का देखेंगे तो इंडिया में जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन था, तो वहाँ पे या फिर कश्मीर में पहले इंडस्ट्री नहीं हो पा रहा था। कश्मीर में इतना अच्छा टूरिज्म इंडस्ट्री का स्कोप है, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में भी सेम हालत है टूरिज्म और नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा था, स्टेट वर्सेस कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट। लेकिन आज देखिए वहाँ पे शांति है, इसीलिए वहाँ पे इंडस्ट्री भी बढ़ रहा है, वहाँ का डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो इसीलिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट वगैरह है वहाँ पे नो रूम फॉर इंडस्ट्री, ठीक है। और सब लोग एक दूसरे का चीज़ें मार काट के चोरी कर रहा था, रॉब कर रहा था। तो इसको इसीलिए इन्होंने कहा है स्टेट ऑफ परफेक्ट एनार्की, जहाँ पे सभी इंसान के पास नेचुरल पावर था प्लस नेचुरल लिबर्टी था, और उसके तहत उनके वो एक दूसरे को मार रहे थे। कोई मॉरालिटी नहीं था और कोई ड्यूटी या ऑब्लिगेशन स्टेट के प्रति नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा ग्लूमी पिक्चर था, ठीक है। तो सब लोगों ने क्या किया कि सब लोगों ने ये सोचा कि एक लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जाए फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, जिसमें एक दूसरा को हमेशा कोशिश रहेगा कि शांति हमेशा कायम रहे, और लोग जो है वो नेचुरल राइट्स को राजा के हाथ छोड़ देंगे, और कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया वो उसको हमेशा वो याद रखेंगे और मानेंगे। ऐसा नहीं कि हम बोले कि नहीं, हम आज से हम कॉन्ट्रैक्ट मानना बंद कर दिए। मतलब मानिए कल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, आज हम बोल दिए कि नहीं चलेगा, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानते, तो ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा मानेंगे, और वो हमेशा जो राजा है उसको ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे कि वो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चल रहा है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्रिएटिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ? हर व्यक्ति जो है वो अपना नेचुरल राइट्स एंड पावर को एक कॉमन पावर के हाथ दे दिया, जो उनको सेफ रखेगा और उनको एक सॉवरेन स्टेट और सिविल सोसाइटी एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। और अगर इसका रेपुटेशन हुआ, मतलब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हम तोड़े, तो फिर सिर्फ सरकार ही नहीं टूट जाएगा बल्कि सोसाइटी भी फिर से बिखर जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक साथ सिविल सोसाइटी और सॉवरेन स्टेट को तैयार कर रहा है। आप देखेंगे कि लॉक और रूसो का इस बारे में अलग अलग ख्यालात है। सिविल सोसाइटी और स्टेट, मतलब सोसाइटी और स्टेट अलग अलग, जैसे हॉब्स कह रहा है कि एक साथ तोड़ रहा टू एक साथ
तैयार हो रहा है थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो दोनों अलग कहेंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसको अगर हम तोड़ेंगे तो फिर सरकार और सोसाइटी दोनों टूट जाएगा, इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकते। ठीक है, जैसे बाकी लोग ये बोल रहे हैं कि हम तोड़ सकते हैं, हम रेवोल्यूशन करके गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इसीलिए सॉवरेंटी होता है एब्सोल्यूट, इनडिवाइजिबल एंड इनएलियनेबल, प्लस पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होता है अनलिमिटेड। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे जो सॉवरेंटी का पार्ट है ये समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे हॉब्स के अकॉर्डिंग टू सॉवरेंटी, या फिर सॉवरेंटी अगर हम ऐसे पॉलिटिकल कंसेप्ट भी पढ़ते हैं, तो ये जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हॉब्स का, ये भी हमको लिखना पड़ेगा उस समय। तो अगर हम इन्हें नटशेल बोले तो हॉब्स का जो थियोरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो एक एब्सोल्यूट मोनार्की का जन्म दे रहा है, लेकिन वो फ्लॉलेस तभी होगा अगर एक परफेक्ट और इनफेलिबल पर्सन वो सॉवरेन बने। मानिए अगर एक ऐसा पर्सन बन रहा है जो आम इंसान की तरह ग्रीडी है और जो कॉमनवेल्थ के लिए काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा? तो फिर जैसा स्टेट ऑफ नेचर था वैसा ही रह जाएगा, वो भी फिर से वो लड़ाई शुरू हो जाएगा, वो फिर से करप्ट एक गवर्नमेंट का जन्म दे देगा। तो जब हम हॉब्स का क्रिटिसिज्म करते हैं तो वही बात बोला जाता है कि इनका जो डिडक्टिव थ्योरी है ये साइंटिफिक नहीं था, तो इसलिए ये जो फ्लॉलेस सॉवरेन है, मतलब जो सॉवरेन पावर के हकदार है, या फिर राजा जो एब्सोल्यूट मोनार्क है, वो फ्लॉलेस होगा, वो हम कैसे सिक्योर करेंगे, वो उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन फिर भी, और इन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी इनको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, और लोग इनको आज भी पढ़ते हैं, इनको बिना पढ़े हम पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरी नहीं पढ़ सकते। इसके बाद हम जिनके बारे में पढ़ेंगे वह है जॉन लॉक। जॉन लॉक का जो थ्योरी है वो बहुत अलग है, और क्यों अलग है अगर हम इनके लाइफ को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। पहली बात तो ये कि ये जन्म लिया एक प्यूरिटन फैमिली में। प्यूरिटन मैंने जैसे कहा था कि दे आर ए काइंड ऑफ प्रोटेस्टेंट। ठीक है, प्रोटेस्टेंट जो कैटेगरी है, जो कैथलिक को प्रोटेस्ट करके जन्म लिया था कैटेगरी, उसका बहुत सारे सब डिविशंस थे, ब्रांचेस थे, जिनमें से एक ब्रांच था प्यूरिटन। तो ये काइंड ऑफ प्रोटेस्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए प्रोटेस्टेंट होने के वजह से ये डिवाइन थियोरी किंगशिप पे बिलीव नहीं करता था, और इन्होंने क्योंकि इनको जन्म से ही ये, मतलब प्रोटेस्टेंट जितने ख्यालात के लोग हैं वो वही बोलते हैं कि राजा को ईश्वर ने नहीं भेजा या नहीं राजत्व दिया, ठीक है, आम लोगों ने दिया। दूसरा है कि वो बहुत गरीब घर के थे, तो उनके स्कूलिंग कंप्लीट करने के लिए जो पैसा आया वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने स्पॉन्सर किया। ठीक है, तो जो बच्चा एकदम कम उम्र के वजह से ही पढ़ पा रहा है अच्छे जगह पे, एक पार्लियामेंटेरियन के हेल्प से, ऑब्वियसली वो पार्लियामेंटेरियन का सपोर्टिव होगा। जैसे हॉब्स वो रॉयलिस्ट के सपोर्ट में पढ़ पाया था, इसलिए वो रॉयलिस्ट को सपोर्ट करता था, एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करता था, लेकिन ये पार्लियामेंटेरियन के सपोर्ट से बड़ा हुआ। और जब इसका उम्र 16 साल का था, तो चार्ल्स स्वान का एग्जीक्यूशन जहाँ पे हो रहा था, मतलब उनको सर कलम करके जहाँ पे मारा जा रहा था, वहाँ से वो हाफ ए माइल एवे थे। मतलब आप एक सोचिए कि जब ये चार्ल्स स्वान का एग्जीक्यूशन हो रहा था, उस समय सारे जो जनता थे, जो हवा चल रहा था, एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल विंड जिसको कहते हैं इंग्लैंड में, वो अगेंस्ट रॉयलिस्ट चल रहा था, और उसी समय वो यंग एज के थे, जो जिसको हम बोलते हैं यंग ब्लड। तो उनके दिमाग में भी यही था कि रॉयलिस्ट आर नॉट गुड, देयर इज नो स्कोप फॉर सिंपैथी ऑफ द रॉयलिस्ट फॉर हिम।
उसके बाद उन्होंने बीए एमए किया एक्सपेरिमेंटल फिलोसॉफी में, और बैचलर ऑफ मेडिसिन एमबी किया, नॉट एमबीबीएस, बैचलर ऑफ सर्जरी नहीं किया था, सिर्फ बैचलर ऑफ मेडिसिन किया था वो। तो मतलब उनके अंदर फिलोसॉफी का भी ज्ञान था और जो साइंटिफिक नॉलेज जिसको हम बोलते हैं मेडिसिनल नॉलेज वो भी था। उसके बाद उनके पास आइडिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स भी आया, क्योंकि उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड प्लांटेशंस एंड सेक्रेटरी टू लॉर्ड्स प्रोपराइटर्स ऑफ कैरोलिना का पोस्ट भी संभाले थे। तो इसीलिए उनके पास फिलोसॉफी का नॉलेज था, मेडिसिन का नॉलेज था और इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक्स का नॉलेज था। ठीक है, उसके बाद उनको ये बताया गया कि वो राय हाउस प्लॉट का कॉन्स्पिरेसी में जुड़ा हुआ है, इसीलिए उनको भागना पड़ा नीदरलैंड में। अब ये क्या था, राय हाउस प्लॉट कॉन्स्पिरेसी, ये किंग्स चार्ल्स टू को एसासिनेट करने का प्लान था। मतलब किंग चार्ल्स टू कौन है, जो हॉब्स का स्टूडेंट है, जो हॉब्स को 100 पाउंड पेंशन देके अपने राजत्व पे रख रहा है, उनका एसासिनेशन को, तो उनको मारने का जो प्लॉट बन रहा था, ये सोचा गया था कि लॉक उसमें जुड़ा हुआ है। तो दैट मीन्स इतना तो आप समझ ही पा रहे हैं कि ही इज़ नॉट एट ऑल सपोर्टर ऑफ रॉयलिस्ट दैट टाइम। उसके बाद उन्होंने ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड में वापस आए। ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब आप लोगों को पता होगा, जिसको बोलते हैं टोटल चेंज। ठीक है, रिफॉर्म होता है पार्शियल चेंज और रेवोल्यूशन होता है टोटल चेंज। तो ये जो रेवोल्यूशन हुआ था वहाँ पे इंग्लैंड पे, इसको ग्लोरियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा लोगों का ब्लड गिरा है, लेकिन इनके कोई ब्लड नहीं गिरा था, एक भी लोग इसमें मारा नहीं गया था। बहुत ही शांति से एक हाथ से दूसरे हाथ में पावर चला गया था, रॉयलिस्ट के हाथों से मतलब क्राउन के हाथों से पार्लियामेंटेरियन के हाथों पावर चला गया था। ठीक है, और एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश हुआ था। उसी समय वो वापस आए और उन्होंने जो एसे लिखा या बुक्स लिखा या लेटर लिखा जो लेजिटिमाइज करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एज वेल एज दिस एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम क्राउन टू पार्लियामेंट, और वी कैन से फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हाँ, और उनके कोई वाइफ नहीं था, चिल्ड्रन नहीं था, उनको फादर ऑफ आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिज्म और लिबरलिज्म बताया जाता है। मतलब आज के डेट में हम जो आइडेंटिटी कंसेप्ट पढ़ते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, या इंडिविजुअलिज्म पढ़ते हैं, या लिबरलिज्म पढ़ते हैं, इन तीनों का वो जनक थे। ठीक है, अब आते हैं उनके जो फेमस किताब जिसमें उन्होंने बताया है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है उसके बारे में। उस किताब का नाम था टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। ट्रीटाइज का मतलब क्या है, ट्रीटाइज का मतलब ट्रीटी नहीं है, जैसे दो राज्य के बीच में ट्रीटी होता है या दो पर्सन के बीच में, दो पार्टी के बीच में ट्रीटी होता है, एग्रीमेंट होता है, वो नहीं है। ट्रीटाइज का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट को डील करना फॉर्मली एंड सिस्टमेटिकली, मतलब एक सब्जेक्ट के बारे में आप लिखते हैं। ठीक है, तो इस किताब में दो गवर्नमेंट का ट्रीटाइज था। ठीक है, पहला ट्रीटाइज क्या था, पहले ट्रीटाइज में उन्होंने एक किताब लिखा गया था, उस समय सर रॉबर्ट फिल्मर ने लिखा था पैट्रियार्का, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग्स को ग्लोरीफाई किया था। पहला ट्रीटाइज में लॉक ने उसी किताब को चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि बाइबल के अनुसार जो एडम के, एडम जो पहला इंसान है, उसी के पास से सभी राजा को पावर मिल रहा है, ये सोचना एकदम ही बेवकूफ़ी है, काइंड ऑफ, मतलब ऐसा आप सोच ही नहीं सकते, ये इलॉजिकल एक काइंड ऑफ सोच है। ठीक है, ये कॉमन सेंस नहीं है, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, और वो कहा था कि
मतलब कॉमन सेंस अगर देखें तो ये जो थ्योरी है ये बहुत ही बेकार है। सेकेंड ट्रिटाइज क्या है? सेकेंड ट्रिटाइज में उन्होंने, अब मानिए पहले ट्रिटाइज में उन्होंने डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप को खंडन कर दिया, तो ऑब्वियसली कोई नया थ्योरी तो देना पड़ेगा कि स्टेट फॉर्म कैसे हुआ। तो सेकेंड ट्रिटाइज में उन्होंने क्या किया, उन्होंने नया जो गवर्नमेंट है वो कैसे बना उसका एक न्यू थ्योरी दिया, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक्चुअली नेचुरल राइट और कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को मोर जो सिविलाइज सोसाइटी बना उसको उसको बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यान किया था। और ऐसे तरीके से उन्होंने जो 1688 का ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश किया गया था उनको पॉलिटिकल लेजिटिमाइज किया, जस्टिफाई किया। और ये बताया गया था कि कोई राजा अगर डिस्पोटिक हो जाए तो लोग उनको हटा के नया राजा को बैठा सकते हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ टोटली ए न्यू थॉट व्हाट वाज गिवन बाय अदर थिंकर्स, दैट इज़ अ टोटली न्यू थॉट। ठीक है, अब उनके जो थ्योरी है उनके व्याख्यान में आते हैं, उनके एलाबोरेशन में आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर थ्योरी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उनका तीन पार्ट है। पहले वो लोग स्टेट ऑफ नेचर इलाबोरेट करते हैं, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट इलाबोरेट करते हैं, और उसके बाद वो बताते हैं कि राजा का नेचर कैसा होगा, सॉवरेंटी का नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू लॉ क्या था, वो ये कहते हैं कि जैसे हॉब्स कह रहा है कि बहुत ग्लूमी है, हमेशा लड़ाई चल रहा है, लॉ ऐसा नहीं कह रहा, लॉ कह रहा है कि पीसफुल है और सब एक दूसरे को सहायता करते हैं, सब कुछ है, नेचुरल लॉ वहाँ पे चलता है और सब लोग उसको मानते हैं, और मॉरलिटी भी वहाँ पे परसिस्टेंट है, सब लोग मॉरल आइडियाज़ को फॉलो करते हैं, मॉरल वैल्यूज़ को मानते हैं। तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर इतना ही सब ठीक ठाक है तो हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की क्या ज़रूरत है, कि एक नया गवर्नमेंट बनाने की क्या ज़रूरत है, जैसा है वैसा क्यों नहीं चलाने दे सकते। तो उसके लिए लॉक कहता है कि वैसे तो सब लोग ठीक ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मॉरालिटी के आइडियाज़ को नहीं मानते थे और सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करते थे, तो उनके लिए क्या हुआ, स्टेट ऑफ नेचर प्रॉब्लमेटिक हो गया और वो लोग स्टेट ऑफ नेचर या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पहले का जो समय था उसको रहने लायक नहीं बनाया। वो एक मतलब उनको संभालने के लिए या रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए वी नीड प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर। और इसीलिए क्या हुआ कि इसके लिए हम लोग सिविल सोसाइटी एस्टेब्लिश किए। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिए, हॉब्स ऐसे बोल रहा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक साथ ही सिविल सोसाइटी और स्टेट एस्टेब्लिश हो रहा है, लॉ ऐसा नहीं कह रहा है। लॉ कह रहा है कि स्टेट ऑफ नेचर से हम लोग जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट किए तो हम पहले सिविल सोसाइटी एस्टेब्लिश किए, तब तक हम लोग स्टेट एस्टेब्लिश नहीं किए थे। अब सिविल सोसाइटी क्यों एस्टेब्लिश किए या फिर वो क्या था, वहाँ पे हम लोग डिसिप्लिन, ऑर्डर और सिक्योरिटी ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश किए, जहाँ पे लोगों के हाथ में सुप्रीम पावर भी रहता था और नेचुरल राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी भी रहता था। ठीक है, और उसके बाद जब ये सिविल सोसाइटी एस्टेब्लिश हो गया तो ये जो राइट्स है इसको रक्षा करने के लिए उन लोगों ने स्टेट एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हम डेविड मिलर की बात कहें तो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो तीन स्टेज में हुआ, ये देखिए 1, 2 एंड 3, तीन स्टेज में हुआ। जहाँ पे पहले क्या हुआ कि पहले सब लोग ये डिसाइड किया कि वो एक कम्युनिटी बनाएंगे और नेचुरल पावर को वो एक साथ लाए, और उसके बाद उस कम्युनिटी का मतलब सिविल सोसाइटी जिसको आप बोल सकते हैं वो वोट दे के एक लेजिस्लेटिव एंड अदर इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, और उसके बाद
जो ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड सोसाइटी है वो एग्री करेंगे कि ये जो लॉ है, ये जो लेजिस्लेशन है और अदर इंस्टीट्यूशन है, उसको वो मान्यता देंगे और मानेंगे, ठीक है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ नेचर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ जॉन लॉक। अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हो रहा है, इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लॉक ने बताया था, ये आप समझ लीजिए। ये आप जब लिबर्टी पढ़ेंगे तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, जब आप राइट्स पढ़ेंगे तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, और कुछ चीज़ें हैं जैसे लॉ का नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या है या राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, ये सब भी बार बार पूछे जाते हैं। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी को बहुत तरीके से पूछा जाता है, तो इसलिए ये फॉर्मेशन ऑफ स्टेट जब हुआ तो उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि लिबरल थियोरी ऑफ राइट, जैसे मैंने कहा कि लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है, तो लिबरल थियोरी ऑफ राइट्स में ये बताया जाता है कि इंडिविजुअल एंड है और स्टेट है मेन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं इंडिविजुअल मीन है, स्टेट एंड है, और ये बोल रहे हैं इंडिविजुअल एंड है और स्टेट है मीन्स। दैट मीन्स इंडिविजुअल का जो स्वार्थ है वो आगे माना जाएगा और स्टेट इंडिविजुअल का स्वार्थ में पहुंचने का एक जरिया होगा, वो अल्टीमेट नहीं होगा। मतलब हम स्टेट के लिए काम नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअल के लिए काम करेंगे, ठीक है, दैट उसको प्रायोरिटी देंगे। दूसरा है नेचुरल लिबर्टी, दैट इज सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसिक्वेंट एनर्की। तो इसीलिए नेचुरल लिबर्टी को हमें अनकंडीशनली सरेंडर करना पड़ेगा सॉवरेन के हाथ, तो अब तभी हम सिक्योर कर पाएंगे पीस को, ठीक है। लेकिन नेचुरल लिबर्टी को हम अनकंडीशनल सरेंडर कर रहे हैं, नेचुरल राइट्स को नहीं। ये चीज़ हम समझेंगे कि नेचुरल राइट्स और लिबर्टी अलग होता है, ठीक है। तो नेचुरल लिबर्टी हम पूरा ही सरेंडर कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ नेचुरल राइट जो है वो फंडामेंटल है, जिसको हम हटा देंगे तो इंसान का जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए हम उनको नहीं हटाएंगे। अब ये क्या क्या नेचुरल राइट है? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तीनों को हमें इंटैक्ट रखना है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बैकग्राउंड में ये बताया कि बुर्जुआ क्लास जो है वो उस समय उभर के आ रहा था, एंड दे वांट ए सिक्योरिटी ऑफ देयर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और लिबरल जो थॉट आया था वो इसीलिए आया था कि बुर्जुआ इंटरेस्ट को वो इम्पोर्टेंस दे सके और सिक्योर कर सके, और इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो लिबरल थॉट में एक मेन इंग्रेडिएंट माना जाता है। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये थ्योरी जो है ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि इसका बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ये है कि अभी जो है राइट टू प्रॉपर्टी और उस समय का जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसमें अंतर क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे भारत में जो जंगल है, हाँ, वहाँ पे आप गए, आप एक जगह को पूरा ठीक ठाक किए, जो बैरन लैंड था जहाँ पे कोई भी फसल नहीं था, कुछ नहीं था, उस जगह को आपने खेती किया, उसमें फसल उगाए, ठीक है, और वो फसल आपने बेचा, और आपने फिर कहा कि आपने अपना घर बनाया, और फिर आपने कहा कि ये जो जमीन है ये जमीन अपना है, मतलब आपका है, ये क्या होता है? नहीं होता है, क्योंकि ये जमीन एक्चुअली राष्ट्र का है। आप अगर कोई जगह पे रह रहे हो बहुत सालों से, या फिर कोई जगह को अगर रहने लायक बना रहे हो, इससे ये नहीं पता चलता है कि ये आपका हो गया। आपके पास प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको माना जाएगा उस जमीन का हकदार, नहीं तो नहीं। या फिर मानिए आपने एक पेड़ देखा, आम का पेड़, ठीक है, और आपने उस आम का पेड़ से आम तोड़ लिया
और आपने ये कहा कि देखो मैंने ये आम तोड़ने के लिए जो लेबर लगाया है इसके वजह से ये आम आप अपना है, तो हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो आम जो है उसी का है जिसने वो पेड़ लगाया है, ठीक है, आपका नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस समय जब लॉक ये थ्योरी दे रहा था उस समय उन्होंने इस अवस्थान को अलग बताया। उन्होंने ये बताया, उनका जो थ्योरी है वो ये है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज एक्चुअली वंस फ्रूट ऑफ लेबर। दैट मीन्स के मानिए आपने एक नेचुरल रिसोर्स को अपना लेबर देके प्रोडक्टिव बनाया, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एक बैरन लैंड है उसको आपने फर्टाइल बनाया, प्रोडक्टिव बनाया। तो नेचुरल रिसोर्स तो ऑब्वियसली भगवान का है या फिर राजा का है, लेकिन जब आप उसने अपना फ्रूट्स ऑफ लेबर जब आप उसमें लेबर मिक्स कर दे रहे हैं तो उस नेचुरल रिसोर्स का जो फ्रूट है वो आपको मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज़ द राइट टू प्रॉपर्टी लॉजिक, मतलब जो आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम का जो लेबर आप दे रहे हो उसका फ्रूट आपको मिलेगा, उसके ऊपर राजा का कंट्रोल नहीं रहेगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि मानिए जब बुर्जुआ कोई भी ट्रेड कर रहा था तो उसको कंट्रोल चाहिए था उस ट्रेड का। फॉर एग्जांपल मानिए एक नाव में भर के सामान कोई भी बुर्जुआ जा रहा था दूसरे कोई कंट्री में और वो सामान बेच के वो आ रहा था, तो राजा ये बोल रहा था कि हमें तुमने अगर 100 रुपया कमाए हो तो 90 रुपया तुम्हें हमें दे दो। तो फिर वो बुर्जुआ गुस्सा हो जा रहा था कि नहीं हम इतना पैसा क्यों देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। अगर आप ये बोलेंगे कि हम टैक्स बिल्कुल नहीं देंगे तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि फिर राज्य आप चलाएंगे कैसे, राज्य का खुद का तो एज सच कुछ इनकम नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप अगर टैक्स देंगे उसी से राज्य चलेगा, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू लॉ कोई भी राष्ट्र उतना ही टैक्स लगाएगा देश के जनता पे जितना उसको ज़रूरत है, जितना वो नेसेसरी है टू कैरी ऑन द ऑन इट्स बिजनेस, उससे ज़्यादा नहीं। इस बारे में मैं हिस्टोरिकल फैक्ट बताऊँ कि ये जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था या फिर पार्लियामेंटेरियन के साथ जो रॉयलिस्ट का लड़ाई चल रहा था वो मेनली टैक्सेशन के ऊपर चल रहा था, क्योंकि जब भी कोई ऐसे कॉलोनियल बिजनेसमैन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया ये सब लोग अपना बहुत ज़्यादा पैसा इनकम करने की कोशिश कर रहे थे, तो राजा ज़बरदस्ती उनसे टैक्स लेने की कोशिश कर रहा था, या फिर लोग जब कुछ भी प्रोडक्टिव काम कर रहे थे तो उस पर वो टैक्स बिठा दे रहा था। तो टैक्सेशन के ऊपर ही पूरा लड़ाई चला और उसी के लिए राजा को कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया फ्रॉम एब्सोल्यूट, ताकि राजा अपने मेटेरियल बेनिफिट के लिए टैक्स ना ले सके। और अगर हम राइट टू प्रॉपर्टी देखें और हम राइट टू और थियोरी ऑफ टैक्सेशन देखें तो वही चीज़ को लेजिटिमाइज किया जा रहा है कि राजा उतना ही टैक्स लगाएगा जितना उनको ज़रूरत है, और राइट टू प्रॉपर्टी रहेगा, मतलब अगर हम चीज़ें बेच रहे हैं या हम अगर कोई भी चीज़ को फ्रूटफुल बना रहे हैं तो हमको उस चीज़ का जो मूल्य है वो देना पड़ेगा, राइट कंट्रोल जो है वो देना पड़ेगा, अधिकार देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर प्रश्न आता है, फिर लॉक अगर ऐसे लिमिटेड मोनार्की की बात करता है तो उस समय गवर्नमेंट का नेचर क्या होगा? जैसे हॉब्स के बारे में हम बोलते हैं कि हॉब्स एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉक गवर्नमेंट का नेचर कैसा होगा? तो उसके लिए वो बोलता है कि गवर्नमेंट एक ट्रस्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट मानिए कि तीन लोगों ने पैसा दिया, ठीक है, और एक ट्रस्ट बनाया, तीन लोग हो गए ट्रस्टी, लेकिन वो तीनों ट्रस्टी जो मर्जी वो नहीं कर सकता। एक एक्ट होता है और वही टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार वो चलता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके अनुसार वो अपना काम करता है
ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल मानिए इंडिया भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चलता है, ठीक है। आप जैसे मानिए कोई कोई आर्टिकल ऐसा है जो आउटडेटेड हो जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है, जैसे आर्टिकल 370 था, तो फिर सरकार को उस आर्टिकल को हटाने के लिए कानून बनाना पड़ा और उसको हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा, ठीक है। तो अगर एब्सोल्यूट मोनार्की इंडिया में होता तो क्या होता, वो आराम से राजा बोलते कि ये हटा दो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहता और आर्टिकल 370 हट जाता। लेकिन हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, तो इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया पार्लियामेंट में और उसके बाद हटाया गया। तो वो भी लॉ भी ऐसा ही कह रहा है कि ट्रस्ट की तरह गवर्नमेंट होगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड रहेगा और सब जो भी कानून बनेगा या हटेगा या संशोधन होगा उसके लिए एक ट्रस्ट का जो बॉडी है उसके सबका सम्मति चाहिए। कोई एब्सोल्यूट पावर लेके या ओमनीपोटेंट पावर लेके या सैराचार आके कुछ नहीं कर सकता। तो व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लॉकियन गवर्नमेंट? पहली बात तो ये कि सरकार कंसेंट ऑफ द पीपल से गवर्न करेगा, ठीक है। दूसरा है कि ये जो लोग हैं ये रीजन के अनुसार चलेगा। वहाँ पे रिलीजियन वर्सेस रीजन ये एक डिबेट चलता है हमेशा लॉक में कि रिलीजियन ऊपर है या रीजन ऊपर है, ठीक है। तो लॉक कहता है कि रिलीजियन नहीं बल्कि रीजन ऊपर में है और वो रीजन में क्या क्या रहता है, कॉन्शियंस, सेंस ऑफ मॉरालिटी, नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मतलब रिलीजियन भी हमें वही बताता है कि मॉरल वैल्यूज़ क्या क्या होगा या कौन सा सही कौन सा गलत, ये आइडिया रहेगा। तो रीज़न भी वही कहेगा, ठीक है, कि हम लोगों का जो विवेक है, हम लोगों का जो मॉरलिटी है, हम लोगों का जो नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, उसके हिसाब से हमारा लोग कोई भी सिद्धांत लेंगे। और तीसरा है कि गवर्नमेंट इज क्रिएटेड बाय द विल ऑफ द पीपल बट एज एन आर्टिफिशियल डिवाइस इट कैनॉट एम्बॉडी सुपीरियर रीजन। मतलब जैसे प्लेटो कहता है कि फिलोसोफर किंग को ज़्यादा नॉलेज है इसीलिए वो किंग बन रहा है, राइट। तो कोई अगर राजा आके बोलेगा कि तुम सबसे हमारे पास सुपीरियर रीजन है तो इसीलिए हम एब्सोल्यूट मोनार्की एस्टेब्लिश करेंगे, तो ऐसा वो नहीं बोल सकता। लेकिन ये जो स्टेट बना, देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर है, फिर सोसाइटी बना, फिर स्टेट बना, थर्ड स्टेज में, राइट। तो ये जो स्टेट बन रहा है, लॉ ये कह रहा है कि पीपल के पास राइट टू रेवोल्यूशन है जिसके थ्रू वो स्टेट को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब हॉब्स के हिसाब से क्या था, हॉब्स के हिसाब से हम रेवोल्यूशन नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि अगर हम रेवोल्यूशन करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम तोड़ देंगे तो हम सिर्फ स्टेट को ही नहीं तोड़ रहे हैं, हम सोसाइटी को भी तोड़ देंगे और फिर स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे। फिर कौन फिर नया सरकार को बनाएगा? तो लॉ ये कह रहा है कि गवर्नमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई भी राजा अपना ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है तो सोसाइटी के पास अथॉरिटी है कि वो अपने राजा को चेंज कर सकता है और डिसॉल्व कर सकता है, डिसइंटीग्रेट इंटीग्रेट कर सकता है और नया टाइप का राजा ला सकता है। और इसी से वो जो ब्लडलेस कू हुआ था और ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था 1688 को, उसको जस्टिफाई करता है। जैसे हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन में देखते हैं कि विदाउट ए ड्रॉप ऑफ ब्लड एब्सोल्यूट मोनार्की से लिमिटेड मोनार्की या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश हो रहा है, वैसे ही वो बोल रहे हैं कि ऐसे रेवोल्यूशन हम कर सकते हैं जिससे हम सोसाइटी नया टाइप ऑफ राजा ले आएंगे, ठीक है। लेकिन लॉ को भी बहुत लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं बहुत सारे कारण से।
जिसमें से सबसे जो फेमस है वह है WT जोन्स। उनके जो ओपिनियन है, बहुत बड़ा ओपिनियन है, जिसमें हम लोग बहुत सारे कारण देख सकते हैं, जिससे जो बाकी लोग हैं वो भी कुछ कुछ कारण से सहमत होता है, लेकिन उनको एक होलिस्टिकली वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि लॉ क्यों, लॉ को उतना माना नहीं जा सकता। कि पहली बात तो ये कि ये जो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में लॉ बता रहा है या जो पिक्चर दे रहा है, ये हाइपोथेटिकल है, मतलब ये मन ही मन मनगढ़ंत है, ये इसका कोई हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है, कोई हिस्टोरियन ने ऐसा कोई स्टेट ऑफ नेचर नहीं बताया है, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि ये जो नेचुरल लॉ है जो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है, वो कैसा होगा वो नहीं बताया है, क्योंकि नेचुरल लॉ में ये भी बता सकते थे कैसे इंसान बिहेव करेगा, वो बताया नहीं गया है, या फिर वो कैसे बिहेव उसको करना चाहिए वो नहीं बताया गया है। तो इसीलिए नेचुरल लॉ का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत कम है, वो सही नहीं है, और इसीलिए वो बोलते हैं कि जो थियोरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है लॉ का, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा जो थर्ड थियोरिटिशियन है, रूशो, रूशो के बारे में। रूशो का लाइफ बहुत ही कलरफुल था, अगर आप देखें, वो एक जगह पे जैसे हम अगर लॉक को देखें, हॉब्स को देखें, तो वो लंदन और पेरिस के अंदर ही घूम फिर रहे हैं, थोड़ा कोई नीदरलैंड थोड़ा सा जा रहा है, दैट्स ऑल। लेकिन अगर हम रूशो के लाइफ देखें तो उनके लाइफ बहुत ही कलरफुल है। वो जेनेवा में जन्म ले रहा है। अब जेनेवा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो एक रिपब्लिक है और कैल्विनिज्म का सीट है, मतलब मेन जो कैल्विनिस्ट थियोरी है वो वहीं से जन्म ले रहा है। आप रिपब्लिक क्या है, आप समझ पा रहे हैं कि दिस इज़ नॉट सपोर्टिव टू एब्सोल्यूट मोनार्की, क्योंकि मोनार्की में क्या होता है कि हेरिटरी पावर राजा के बेटे को जाता है, लेकिन रिपब्लिक में कोई भी हेरिटरी हेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो उनके जहाँ पे जन्म हो रहा है और परवरिश हो रहा है, उस जगह पे एक रिपब्लिकन माइंडसेट था। दूसरा है कैल्विनिज्म, कैल्विनिज्म ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट रिलीजियन। अब रिलीजियन तो नहीं बोल सकते, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, लेकिन प्रोटेस्टेंटिज्म जो था उसी का एक ब्रांच था कैल्विनिज्म। तो इसीलिए वो भी जो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप था जो कैथलिक लोग बोलते थे, उनको प्रोटेस्ट करने की बात करते थे या प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रूशो एक गरीब फैमिली में जन्म लिया और वो हमेशा पुअर ही रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चीज़ें कोशिश किया, जैसे थिएटर में एक्टिंग करने का, ओपेरा में गाने का, म्यूजिक, पोएट्री, लेकिन किसी भी जगह पे उनको सक्सेस नहीं मिला। तो इसीलिए वो हमेशा गरीब ही रहा, लेकिन उनको हमेशा ऐसा नहीं रहना पड़ा, उनको अचानक से एक फेम मिला। वो पेरिस में गए और पेरिस में जाके उन्होंने एक ऐसे कंपटीशन जीत गया, और उस ऐसे कंपटीशन के जीतने के बाद सब लोग उनके बात सुनने लगे और वो अचानक रातों रात बहुत फेमस हो गए, ठीक है। अब वो ऐसे कंपटीशन क्या था, उनका जो फर्स्ट डिस्कोर्स है एक्चुअली, जो सेकेंड और थर्ड डिस्कोर्स है वो किताब है, वो हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो फर्स्ट डिस्कोर्स है वो एक्चुअली इस ऐसे कंपटीशन में उन्होंने जो आर्गुमेंट दिया था, दैट इज़ हिज फर्स्ट डिस्कोर्स, ठीक है। वो क्या था, उन्होंने ये कहा था कि जो ऐसे कंपटीशन का विषय था वो ये था कि हम साइंस और आर्ट से प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर आर्ट्स और साइंस मॉरालिटी को प्यूरिफाई की जगह कोडाप्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि साइंस के वजह से ही जितना इनइक्वालिटी है वो क्रिएट हो रहा है, और साइंस और आर्ट्स के वजह से हम देखते हैं कि सिविलाइज्ड सोसाइटी जो है वो इंसान को इनइक्वल सोसाइटी के तरफ धकेल दे रहा है। सो ही इज़ एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग सिविलाइज्ड सोसाइटी।
और वो कह रहे हैं कि जो चेन इंसान है, उनका एक बहुत फेमस लाइन है जिससे उनका मेन किताब जो है वो शुरुआत हो रहा है कि मेन आर बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स, ठीक है। तो वो जो चेन है वो बोल रहे हैं कि उसमें गार्लैंड मतलब चेन जो है उसको वो फूलों के माला से ऐसे सजा के रखा है कि आपको दिखाई ना दे, बट वो है तो चेन ही, ठीक है। तो सिविलाइज सोसाइटी इज एक्चुअली वो ही है, चेन है एक काइंड ऑफ, वो जो इंसान को बांध के इनिक्वल बना दे रहा है, ठीक है। और ये जो थ्योरी है हम समझ सकते हैं कि वो इनके जो पर्सनल लाइफ है वो भी शायद उसका एक बहिःप्रकाश है, क्योंकि उनके जितने सिविलाइज सोसाइटी के जितने पॉजिटिव गोल्स थे वो एक भी गोल्स में उनको कोई भी गेन नहीं हुआ। जैसे वो पैसा कमा नहीं पाए, वो कोई भी सिविलाइज सोसाइटी के जो पैरामीटर्स हैं जैसे मानिए एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी या फिर एरिस्टोक्रेटिक स्टेटस या फिर पैसा या फिर जो जो कंपटीशन है आर्ट्स या साइंस में, कहीं पे भी वो अपना वजूद या अपना सक्सेस दिखा नहीं पाए। तो एक कहावत है ना कि ग्रेप्स आर सावर, मतलब कोई भी चीज़ जो हम नहीं पा रहे हैं पा रहे हैं उस चीज़ को हम बोलते देते हैं कि वो तो खराब है। जैसे कि कोई लड़की को अगर हम पसंद करते, मानिए एक क्लास है, एक क्लासरूम है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें एक लड़की बहुत खूबसूरत है और एक लड़का है जो लास्ट बेंच में बैठता है, जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल बेकार है या फिर उसको कुछ भी मतलब आता नहीं है, तो उसका क्या चांस है कि वो खूबसूरत सबसे जो ब्रिलियंट लड़की उसको प्यार करेगा? नहीं चांस है। तो वो क्या कहेगा, अरे वो लड़की तो बेकार है, राइट। तो हम सिविलाइज्ड वर्ल्ड को भी ऐसे ही बोल सकते थे कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड का जो कंपटीशन है उसमें रूसो कभी सक्सेस नहीं पा सके, और इसीलिए शायद वो सिविलाइज्ड वर्ल्ड को बहुत ही क्रिटिसाइज किए हैं और उनको हमेशा वो बोला है कि वो इनइक्वालिटीज का जन्म दे रहा है। आप ये बोल सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने भी तो सिविलाइजेशन या फिर जो मेटेरियल वर्ल्ड है उसको नकार के प्रिमिटिव वर्ल्ड को बहुत अच्छा बताया है, तो व्हाई आई एम क्रिटिसाइजिंग सो मच रूशो? क्योंकि रूशो का अगर आप ओपिनियन देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तो उनको मैन ऑफ पैराडॉक्सेस कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से एक चीज़ बोलना शुरू किया और एक चीज़ में जाके ख़त्म हुए। मतलब उनके ओपिनियन का कोई ऐसे मतलब निर्णायक कुछ नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मानिए वर्ल्ड में दोनों कलर अगर पाया जाता है, सफ़ेद और ब्लैक, तो अगर आपको हम पूछे कि आपको कौन सा कलर पसंद है, तो आपने बोला सफ़ेद भी बहुत ख़राब है और ब्लैक तो एकदम बहुत बहुत ही ख़राब है, तो फिर कौन सा कलर रह जाएगा? कोई भी नहीं रह जाएगा, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रीज़न और फ्रेंच इनलाइटनमेंट को भी अटैक किया और एंशियन रेजिम को भी अटैक किया। मतलब उन्होंने दोनों चीज़ों को, फ्रेंच इनलाइटनमेंट जो आ रहा था, जो नए नए थॉट्स दे रहे थे इंसान को, उसको भी वो नकार रहे थे और एंशियन रेजिम को भी वो नकार रहे थे। तो इसीलिए उनको मैन ऑफ पैराडॉक्स कहा जाता है। और उनके जो ओपिनियन है उसको भी हम देखेंगे कि एक बात वो कुछ कह रहा है, एक ही सेंटेंस में वो दो चीज़ कह रहा है, जैसे मैन आर बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स या मैन शुड बी फोर्स टू बी फ्री, तो ये इसीलिए उनको मैन ऑफ पैराडॉक्स कहा जाता है। और उसको मॉडर्न प्रोमेथियन भी कहा जाता है, जो रिबेलियसली क्रिएटिव एंड इनोवेटिव है, ठीक है। प्रोमेथियन एक गॉड है, ग्रीक गॉड, जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे और इनोवेटिव थे, ठीक है। तो उनको भी वही कहा जाता है और उनका बहुत इम्पोर्टेंस है, वो पॉपुलर सॉवरेंटी, थियोरी ऑफ जनरल विल और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ये सब के लिए वो फेमस है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी उन्होंने बहुत इंस्पायर किया था ये कहा जाता है, ठीक है।
अब हम आते हैं उनके राइटिंग्स पे. जैसा मैंने कहा कि वो जो ऐसे कंपटीशन में वो जीते थे, दैट वाज हिज फर्स्ट डिस्कोर्स. तो उनका जो सेकंड डिस्कोर्स है वो ये, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन. और जो उनका थर्ड डिस्कोर्स है दैट इज़ ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट. ठीक है, ये 1755 में पब्लिश हुआ और ये 1762 में पब्लिश हुआ. ठीक है, तो जो इनका पहला किताब है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ए डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी भी बोला जाता है, उसमें उन्होंने ये कहा कि मॉडर्निटी या सिविलाइजेशन कैसे इनइक्वालिटी को जन्म दे रहा है. ठीक है, जो उनका सेकंड किताब है ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, उसमें उन्होंने ये बताया कि उस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए हमें क्यों सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए. ठीक है, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस टू बुक्स, हम बोल सकते हैं दैट इज़ टू प्रोवाइड ए फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. अब हम आते हैं उनके मेन थ्योरी पे. उनका जो किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो शुरू हो रहा है एक बहुत ही फेमस लाइन से, जिनके लिए भी उनको मैन ऑफ पैराडॉक्सिस कहा जाता है. वो है, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट ही इज़ एवरीवेयर इन चेन्स. ठीक है, मतलब हम जन्म लेते हैं फ्री, सब कुछ हमारे पास रहता है, वी कैन डू एनीथिंग, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं तो सिविलाइज सोसाइटी हमें चेन में बांध देते हैं. कैसे बांध देते हैं? स्टेट जो है वो फिजिकल फ्रीडम को काट देता है. ठीक है, फिजिकल फ्रीडम ले लेता है. सोसाइटी जो है वो सिविल फ्रीडम को ले लेता है. मतलब मानिए कि हम कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे, या फिर हमारा जो लिबर्टी वगैरह है वो स्टेट ले लेता है, और हमारा जो सोसाइटल एक्टिविटी है उसको सोसाइटी ख़त्म कर देता है. ठीक है, अब आते हैं उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के जो पहला पार्ट है वो है स्टेट ऑफ नेचर. तो उनके हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर कैसा था? उनके हिसाब से नेचुरल मैन नोबल सेविस थे, जो एक बहुत ही अच्छा लाइफ जीते थे, जहाँ पे सिंप्लिसिटी था, इक्वालिटी था, सेल्फ सफिशिएंट था और कोई भी प्रॉब्लम नहीं था. ठीक है, तो इक्वालिटी ख़त्म कहाँ हुआ? ख़त्म हुआ जब राइज ऑफ सिविलाइजेशन हुआ. राइज ऑफ सिविलाइजेशन में क्या होता है कि आर्ट्स एंड साइंस का डेवलपमेंट होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ जाता है और डिवीजन ऑफ लेबर आ जाता है, और इसीलिए क्या हुआ, इनइक्वालिटी का राइज हुआ और सिविल सोसाइटी एंड स्टेट एस्टेब्लिश हुआ. मतलब हॉब्स और रूशो दोनों एक साथ ये बोल रहे हैं कि सिविल सोसाइटी और स्टेट एक साथ एस्टेब्लिश हो रहा है. सिर्फ लॉकी ये कह रहा है कि पहले सोसाइटी आया फिर स्टेट आया. ठीक है, जैसा मैंने कहा कि सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी इज को एक्सटेंसिव, मतलब एक साथ जन्म हुआ, एक साथ बढ़ा. और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे लॉक बोल रहा है कि दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कह रहे हैं रूशो कि एक ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो एक एब्सोल्यूट इनडिविजिबल इनएलियनेबल पीपल सॉवरेंटी या पॉपुलर सॉवरेंटी एस्टेब्लिश कर रहा है. तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि पॉपुलर सॉवरेंटी का कंसेप्ट किसने दिया था? तो आंसर है रूशो. ठीक है, ये कहता है कि जो सॉवरेंटी है वो लोगों के हाथ में है. जैसे हॉब्स कह रहा है कि वो राजा के हाथ में है, लॉक कह रहा है कि वो राष्ट्र के हाथ में है, और रूशो कह रहा है कि वो लोगों के हाथ में है, जिसके लिए हम इसको डेमोक्रेटिक सोसाइटी बोलते हैं या डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बोलते हैं. ठीक है,
अब ये जो सॉवरेंटी और जनरल विल है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और आप अगर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ेंगे या आगे का जो थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें भी ये सॉवरेंटी और जनरल विल के क्वेश्चन बार बार घूम फिर के आते रहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि पॉपुलर सॉवरेंटी क्या है। पॉपुलर सॉवरेंटी का मतलब है पीपल इज सॉवरेन, मतलब जो सॉवरेंटी है वो लोगों के हाथ में है। ठीक है, तो अगर लोगों के बात में है तो वो कैसे संभालेंगे, क्योंकि लोग तो एक नहीं है, लोग तो बहुत सारे हैं। एक राष्ट्र में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे मानिए ग्रीक जो सिटी स्टेट था, उसमें हम लोग प्रॉपर डेमोक्रेसी देखते थे, जहाँ पे जो आम लोग होते थे सब लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट लेते थे, तब जाके कोई भी डिसीजन अल्टीमेटली पास होता था। लेकिन मानिए इंडिया के जैसा अगर हम कंट्री देखें, या उस समय यूरोपियन कंट्रीज़ का भी पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो अगर हम वो देखें तो वहाँ पे इतने सारे जो लोग हैं, अगर हम सबके हाथ में सॉवरेंटी दे दे रहे हैं तो मैनेज कैसे होगा, स्टेट चलेगा कैसे? क्योंकि हम हर एक लोगों का अगर ओपिनियन मांग के फिर डिसीजन लेने चाहे, तो फिर तो राष्ट्र नहीं चला सकते। जैसे मानिए हमारे दरवाजे पे, जैसे मानिए यूक्रेन को रशिया अटैक करने वाले हैं, ठीक है, अटैक कर दिया है। अब उसके बाद यूक्रेन का शासक अगर हम सोचे कि हम पूरा जितने लोग हैं उनका ओपिनियन लेंगे कि अभी हमें क्या करना चाहिए, तब तो हो जाएगा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। तो फिर कैसे है जो मॉडर्न स्टेट है उसमें हम पॉपुलर सॉवरेंटी से अपना राष्ट्र चलाएंगे? तो उसके लिए वो दो तरह का विल की बात करता है, एक है एक्चुअल विल और एक है रियल विल और जेनरल विल। ठीक है, अब एक्चुअल विल क्या है? एक्चुअल विल का मतलब है कि हम जो अपना इमीडिएट सेल्फ इंटरेस्ट को देख के बनाते हैं। ठीक है, जैसे मानिए फॉर एग्जाम्पल अभी हम चाह रहे हैं कि कुछ भी मानिए स्मोक करेंगे और ड्रिंक करेंगे और कुछ भी करेंगे, ठीक है, तो उस वो क्या हो गया, वो हो गया एक्चुअल विल। मानिए या फिर मानिए हम रास्ते में निकल के जोर से गाना बजाएंगे ऐसे, तो वो हो गया एक्चुअल विल, मतलब हम अपने मन के अनुसार कर रहे हैं। तो वो ऑब्वियसली वो पड़ोसियों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए राष्ट्र जो है वो एक्चुअल विल से नहीं चलेगा, वो चलेगा रियल विल से या जनरल विल से। उससे क्या होगा? उससे पीपल होगा इन देयर कॉर्पोरेट कैपेसिटी मोटिवेटेड बाय इस अल्टीमेट कलेक्टिव इंटरेस्ट इंड्यूसेस हिम टू एक्ट रीजन स्टेबल कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट एंड डिटर्मिनेट। ठीक है, इसका मतलब है मानिए कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, मानिए जैसे कोई कॉर्पोरेट हाउस, आजकल जैसे एमएनसी वगैरह है, हाँ मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेट हाउसेस है ये सब, तो वहाँ पे अगर आप नौकरी करने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सब लोग मिलके एक डिसीजन लेते हैं और सब लोग उस कॉर्पोरेट हाउस का हित में ही काम करते हैं। मानिए आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट हाउस के, वहाँ पे क्या आप उस ऑफिस के खिलाफ जाके कुछ काम करेंगे जहाँ पे उस ऑफिस का बेनिफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा? तो ऐसे तो काम आप नहीं कर सकते ना, तो आपको राष्ट्र से निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए जनरल विल में ये बताया जा रहा है कि हम कॉर्पोरेट हाउस की तरह काम करेंगे, जहाँ पे एक जनरल विल रहेगा, मतलब सबका एक कॉमन गुड होगा जिसके लिए वो सब मिलके काम करेंगे। ठीक है, मतलब जिसको हम लॉ ऑफ द मेजोरिटी बोलते हैं, क्योंकि मानिए एक राष्ट्र में जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोग रहता है, तो हम सबका ओपिनियन मान के तो नहीं चल, अगर मानिए हमें कोई भी एक बिल जैसे 370 आर्टिकल नंबर अगर हम बोले, तो 370 धारा को जब रद्द किया गया तो अगर सबका ओपिनियन मांगा जाता तो सबका हाँ बोलते नहीं बोलते? जिनको उस 370 आर्टिकल से सुविधा हो रहा था वो तो ना कर देते, लेकिन मेजोरिटी जब कह रहा है कि हाँ ऐसा करो और वो कहने के पीछे एक रीजन दिखा रहा है जो एक प्रॉपर रीजन है, ठीक है, जो कलेक्टिव इंटरेस्ट को जो सपोर्ट कर रहा है, तो फिर वो
कानून लाया जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द मेन मोटो ऑफ जनरल विल कि वो सबके लिए काम करेगा, कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, वो कोई सिंगल पर्सन के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हम ये जनरल विल लाते हैं तो फिर क्या होगा, लॉस क्या क्या होगा? लॉस होगा नेचुरल लिबर्टी एंड अल्टीमेट राइट टू ऑल विच अट्रैक्ट्स हिम एंड विच ही कैन ऑब्टेन, ठीक है। क्योंकि हम राष्ट्र को तो क्या दे रहे हैं, नेचुरल लिबर्टी दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हम अगर कोई जोर से गाना बजाना चाहते हैं या स्मोक करना चाहते हैं या ड्रिंक करना चाहते हैं तो वो हमारा नेचुरल लिबर्टी था। लेकिन हम जब जनरल विल की बात करते हैं तो हम रात को गाना नहीं बजा सकते या पब्लिक प्लेस में हम स्मोक या ड्रिंक नहीं कर सकते या ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते, ताकि लोगों का जनरल विल जो है या कॉमन इंटरेस्ट जो है वो अफेक्टेड ना हो, ठीक है। सो दैट इज़ द लॉस। अब गेन क्या क्या है, ये जो जनरल विल है इसको हम अगर लाएंगे तो गेन क्या क्या है? हम सिविल लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी पा रहे हैं जो हमको मिला है, मतलब हमारा जो प्रॉपर्टी राइट्स है। मतलब मानिए कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे हार्ट पेशेंट है, उसके बगल में अगर आप पटाखा फोड़ रहे हैं, ठीक है, आप बोलेंगे पटाखा फोड़ना अपना राइट है तो हम करेंगे, वो राइट आपको सरकार नहीं दे रहा है क्योंकि वो जनरल विल के खिलाफ है, वो आपका एक्चुअल विल था। लेकिन जब आप पटाखा फोड़ने का पावर नहीं पा रहे तो आप जब बीमार होके हॉस्पिटल में जा रहे हैं या आपके कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है तो दूसरा कोई व्यक्ति भी वहाँ पे पटाखा फोड़ के आपका जो लिबर्टी है, सिविल लिबर्टी है, उसको इनक्रोच नहीं कर सकता। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल विल, ठीक है। एवरीबडी इज़ वर्किंग फॉर एवरीवन्स हैप्पीनेस और कलेक्टिव इंटरेस्ट, ठीक है। तो फिर अगर सब कुछ जनरल विल का ही काम है और अपना लोग ही कर रहे हैं तो गवर्नमेंट किस लिए ज़रूरत है? गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रूसो इज़ द एजेंट ऑफ जनरल विल, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगा, ये जो जनरल विल है इसको एजेंट की तरह बरकरार रखेगा, उसको एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें एक और ओपिनियन है, उनका कोट है रूशो का कि द पीपल कैन बी फोर्स टू बी फ्री, मतलब ये जो जनरल विल है ये जनरल विल के तहत अगर कोई बोले कि नहीं हमें जनरल विल नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल विल की तरह काम करना है, तो वो नहीं कर सकता। तो ये जनरल विल एक्चुअली या सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसको फोर्स कर रहा है टू बी फ्री, ठीक है। तो रॉबर्ट एम मैकलेवर ये कह रहा है कि कोई भी इंसान को नेचुरल अथॉरिटी नहीं है, अदर इंसान कहता है, मतलब हम किसी भी और इंसान को मार नहीं सकते, हम इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ऐसे ही आपको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपको भी कोई मार नहीं सकता। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस या इम्पैक्ट ऑफ जनरल विल ऑन द पीपल, ठीक है। पैट्रिक रिली कह रहा है कि रूशो हिमसेल्फ इंसिस्ट दैट द जनरल विल इज ऑलवेज राइट एंड दैट इट इज़ द विल दैट वन हैज एज अ सिटीजन व्हेन वन थिंक्स ऑफ द कॉमन गुड एंड नॉट ऑफ वन्स ओन पर्टिकुलर एज विल एज ए प्राइवेट पर्सन, मतलब हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे, अपना इंटरेस्ट के लिए नहीं सोचेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं सोचेंगे, हम कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए सोचेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल विल अकॉर्डिंग टू रूशो। लेकिन उसको क्रिटिसाइज भी बहुत किया जाता है, जैसे मैंने कहा कि उसको मैन ऑफ पैराडॉक्सेस कहा जाता है क्योंकि वो खुद ही एक बार कुछ बोल रहा है दूसरी बार कुछ और कह रहा है। जैसे सिविल सोसाइटी को उन्होंने कभी बोला सुपीरियर विल, लेकिन उसको जब ख़त्म किया उनका आर्गुमेंट तो उन्होंने बोला वो सुपीरियर है रीजन से। फिर उन्होंने स्टेट को मैकेनिस्टिक व्यू से बोलना, जैसे मैकेनिकल एक यंत्र की तरह उन्होंने एस्टैब्लिश किया, लास्ट में जाके उनके अंदर वो प्राण है ऐसे टाइप का ऑर्गेनिक उन्होंने व्यू दिया, ठीक है। फिर उन्होंने पहले उन्होंने आर्डेंट लिबरल की तरह अपना आर्गुमेंट स्टार्ट किया, लेकिन आर्डेंट आइडियलिस्ट की तरह उन्होंने अपना आइडिया या आर्गुमेंट ख़त्म किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत ब्रिलियंट राइटर थे, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग थे क्योंकि उन्होंने ऐसा बहुत सारे सेंटेंस कहा
जो लोगों को ये समझा नहीं पाता है कि हम करें तो करें क्या, मतलब कुछ मतलब तुम बोलना क्या चाहते हो, ये नहीं समझ में आता। इसलिए लिबरल्स एंड आइडियल्स कुछ लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं और कुछ लोग हैं जो उन्हें पसंद भी नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन रूसो ने खुद ही कहा है कि हमें लोग मैन ऑफ पैराडॉक्सेस कहे हम ये चाहेंगे, लेकिन मैन ऑफ पैराडाइज कहे ये नहीं चाहेंगे। मतलब हम कुसंस्कार ये सब मानते हैं, ये नहीं चाहते हैं, ऐसा लोग हमें सोचे। तो ये हम एक सेंटेंस में ये कह सकते हैं कि रूसो इज एक्चुअली ये वेरी फेमस फोर्स ऑफ एनलाइटनमेंट। ओके, तो यहीं पे हम हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म करते हैं, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।